चीन को लेकर भारतवर्ष पर हमला करना, भ्रामक चीजें फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। और आज मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, जब देश के आर्मी चीफ लेह में उतर रहे हों और देश के जवानों के मोराल को, उनकी शक्ति को वर्धन कर रहे हों, उसे बढ़ा रहे हों, उसी समय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करना और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आर्मी के विरोध में कहना और यह कहना कि भारत ने अपने टेरिटरी को सरेंडर कर दिया है, भारत कमजोर पड़ गया है, ये क्या आप आर्मी के साथ दो दो हाथ होना चाहते हैं? ये किस प्रकार की लड़ाई है? सोनिया जी, मैं आज स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं और हर कांग्रेसी इसे कान खोल के सुन ले, हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी एक इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, एक इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शर्म को सरेंडर कर दिया है। इंडिया हैज नॉट सरेंडर्ड एन इंच ऑफ इट्स लैंड, बट कांग्रेस, आई एम सॉरी टू स्टेट, हैज सरेंडर्ड इट्स शेम। ये बहुत ही दुखद विषय है। रोज सुबह आप लोग चालू हो जाते हैं, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, ये किस प्रकार की बात है? हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। इस बार जो स्टैंड ऑफ है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि किस प्रकार लीगेसी इश्यूज हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लीगेसी इश्यूज हैं। किंतु वर्तमान में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी अभी डीएस्केलेशन की बात चल रही है, उसमें हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के एमओयू के पश्चात हमें डर है चीन का कब्जा हो चुका है। ऐसी क्या बात है? रोज आप देखते हैं सुबह उठते ही चीन को लेकर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रामक हो जाना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है? व्हाई डज द कांग्रेस वांट टू डिराइव सम काइंड ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर व्हेन इंडिया, बाय शोइंग दैट इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, भारत की आर्मी ठीक नहीं कर रही है, भारत की आर्मी और मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, हमारे कब्जे से जमीन चली गई है, भारत हार रही है, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी जो एक अद्भुत प्रकार की खुशी अनुभव करती है, एक सैडिस्टिक प्लेजर अनुभव करती है, ये अपने आप में न केवल चिंतनीय है अपितु ये दर्शाता है कि साजिश भी है, कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। मैं टेलीविजन चैनल के सामने खड़ा हूं, 1 बजे 2 बजे आप टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं तो एक सीरियल आता है एंटरटेनमेंट का हर टेलीविजन चैनल में, सास बहू और साजिश। सुबह 9 बजे टेलीविजन चैनल ऑन करिए, आजकल तो मां बेटा और साजिश, मां बेटा और चाइना, चाइना को लेकर हर प्रकार का षड्यंत्र और साजिश देश के मिट्टी में जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। आज बहुत लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी, और जमीन पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सोनिया जी को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि देश पर कोई भी कष्ट होता है, देश पर कोई भी दुर्भाग्य आता है, उस दुर्भाग्य को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके अपने बेटे राहुल गांधी का लॉन्चपैड बनाने की जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, ये बात नहीं चलेगी, ये उचित नहीं है। द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट यूज द मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग ऑन आवर कंट्री लाइक कोरोना और इवन अ स्टैंड ऑफ विथ चाइना एज अ रीलॉन्चिंग पैड ऑफ फॉलिंग कैरियर ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। हर चीज में एक लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। अपने क्लाउन प्रिंस, आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था राहुल जी के लिए, ही इज अ क्लाउन प्रिंस, क्लाउन प्रिंस को रीलॉन्च करने की जो कोशिश करती है, ये कोशिश ठीक नहीं है। बहुत दुखद है, आज हम सब हिंदुस्तानी, हम सब लोग, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, अपनी मुष्टिका बांध करके जब आर्मी के चीफ लेह गए हुए, मोराल बूस्टिंग के लिए गए हुए, हमारे आर्मी आज सख्त रूप से खड़ी है, संकल्प के साथ खड़ी है, शक्ति के साथ खड़ी है, ऐसे में मीटिंग करके आर्मी के मोरेल को डाउन करने की कोशिश करना, उसे घटाने की कोशिश करना, ये साजिश और षड्यंत्र से कम नहीं है। कोरोना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और आज आप अगर सीडब्ल्यूसी के स्टेटमेंट को देखेंगे, आप सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट को देखेंगे, तो स्टेटमेंट में कहा जाता है,
मिसफॉर्च्यून डज नॉट कम सिंगली, मिसफॉर्च्यून्स डू नॉट कम सिंगली। कि जो दुर्भाग्य होता है ये दुर्भाग्य अकेले नहीं आता है। सोनिया जी, हमें दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जैसी एक पार्टी दुर्भाग्य के ऊपर भी राजनीति करती है। कोरोना, आपने कोरोना के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, क्या मोदी जी ने कोरोना का आविष्कार किया? क्या हिंदुस्तान में मोदी जी ने कोरोना को लाकर लोगों को संक्रमित किया? ये किस प्रकार की बातों से आपने आज कोरोना को लेकर देश पर आक्रमण किया है? आज हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोरोना के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही। इस पर जिस प्रकार की राजनीति आपने किया है, चाइना को लेकर अगर इंडिया की आर्मी के मनोबल को आप कम कर रही हैं सोनिया जी और राहुल जी, ठीक उसी प्रकार कोरोना पर जो स्टेटमेंट आपका है, आप कोरोना वॉरियर्स के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं कोरोना पर राजनीति कर। आपने इकोनॉमिक पैकेज को लेकर राजनीति करने की कोशिश की है सोनिया जी, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहेगी आपको कि जहां तक इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने मात्र 5 या 6% जीडीपी का यह डिमांड किया था कि हमें इस प्रकार का पैकेज दिया जाए, किंतु जो इकोनॉमिक पैकेज हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया है, वह आज 10% है जीडीपी का। 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को पुनः खड़ा करने के लिए ये पैकेज दिया है, आप उस पर भी राजनीति कर रही। इन सब विषयों पर राजनीति हो सकती है, इकोनॉमी पर राजनीति हो सकती है, किंतु नेशनल सिक्योरिटी पे, देश की सुरक्षा पे कोई राजनीति नहीं हो सकती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। और बीजेपी इतना कहना चाहती है कि हम सबको आज संकल्प के साथ, शक्ति के साथ, अपने मिलिट्री के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, अपनी सेना के साथ, अपने सैन्य शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश बिल्कुल षड्यंत्र होगा या हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड वी हैव टोल्ड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडिया इज केपेबल, सी फॉर केपेबल, इंडिया इज केपेबल टू फाइट, सी फॉर कोरोना, सी फॉर चाइना, एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द कांग्रेस इज वेल, वी कैन फाइट ओवर ऑल दिस, एंड लेट मी अश्योर यू दैट इंडिया विल एमर्ज विक्टोरियस, विक्टोरियस ऑफ ऑल द कोट अनकोट मिसफॉर्च्यून्स दैट सोनिया जी वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स मिसफॉर्चुनेट दैट देयर आर लेगेसी इश्यूज as far as you were talking about areas in the country, 43,000 square kilometer, isn't that a misfortune? Was that fortunate? आपने 43,000 square kilometer, एक बड़े राज्य के बराबर होता है, आपने उतनी जमीन कंसीड किया है, और आज सुबह सुबह उठ के आप लोग सरेंडर 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 करके सेडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज कहना चाहेगी कि हम सब एकजुट होकर खड़े हों, इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी, और हम सब सेना के साथ उसके बल के लिए खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।